यूपी टेट के अंतर्गत आपदाएं जो इसके सिलेबस में दिया गया है, इसमें एक आपदा सूखा, इसके बारे में जानेंगे। सूखा एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था है जो वर्षा की कमी के कारण उत्पन्न होती है। साथ ही साथ भारत जैसे देश में वर्षा की अपर्याप्तता और वर्षा के बीच काफी अंतराल जब देखने को मिलता है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान के आंकड़ों के अनुसार यदि किसी वर्ष 25% से कम वर्षा हो, 25% से कम वर्षा हो तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। और भारत में औसतन हर 5 वर्ष बाद सूखा पड़ता है। औसतन 5 वर्ष बाद सूखा पड़ता है, सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। सामान्य रूप में 25% से कम वर्षा हो किसी क्षेत्र में तो उसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान के अनुसार उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। और औसतन 5 वर्ष बाद सूखा देश में पड़ता है। और जैसे वर्षा की अपर्याप्तता, वर्षा के बीच में काफी अंतराल और वर्षा की परावर्तिता, मानसून का काफी देर से आना और पहले वापस हो जाना, जिसके कारण देश का कोई ना कोई भाग सूखे की चपेट में बना रहता है। और सूखे के प्रकार या सूखा कितने प्रकार का होता है और सूखे ग्रस्त क्षेत्रों को बांटने के लिए जो सूखे के प्रकार मौसम जल वैज्ञानिकों ने किए हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले होता है मौसमी सूखा। मौसमी सूखा का अर्थ है कि सामान्य से 19% कम वर्षा हो किसी क्षेत्र विशेष में तो उसे मौसमी सूखा कहेंगे। सामान्य से 19% कम वर्षा हो उसे मौसमी सूखा कहेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर का सूखा आता है कृषि सूखा। यदि मिट्टी में, कृषि योग्य मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो तो कृषि सूखा पड़ता है। और नमी की मात्रा कम होने का कारण यह है जब मौसमी सूखा पड़ता है। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। मौसमी सूखा अर्थात 19% से कम वर्षा हो कृषि क्षेत्र में और मिट्टी में नमी की मात्रा जिससे कम हो जाती है, इसलिए इसे कृषि सूखा कहते हैं, कृषि सूखा पड़ता है। इसका तीसरा सूखा आता है जल वैज्ञानिक सूखा। जल वैज्ञानिक सूखा जब पड़ता है कि भूमि सतह के ऊपर जल का सूख जाना, भूमिगत जल का नीचे उतर जाना या भूमिगत जल स्तर का कम हो जाना यह जल वैज्ञानिक सूखा के अंतर्गत आता है। इसके बाद चौथा था पारिस्थितिक सूखा। जब पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। उत्पादकता कम होने का कारण यह होता है कि मिट्टी और पौधों को आवश्यक नमी नहीं मिल पाती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता ऑटोमेटिक कम हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रथम उत्पादक हरे पौधे होते हैं। हरे पौधों को जब नमी नहीं मिल पाती है तो हरे पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं और जिससे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कम हो जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं कि सूखा अन्य जो आपदाएं आती है जैसे बाढ़ है, चक्रवात है या भूकंप है, उनकी अपेक्षा सूखे का प्रभाव काफी लंबे समय तक बना रहता है और सूखे का प्रबंधन भी अन्य आपदाओं की अपेक्षा आसानी से किया जा सकता है।
इसके बाद हम आगे देखते हैं और भारत में सूखे का संबंध मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून इससे माना जाता है कि भारत को जो वर्षा प्राप्त होती है इस दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75% वर्षा प्राप्त होती है और भारत का लगभग 55% कृषि योग्य क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। जब कभी मानसून में अनियमितता आ जाती है, मानसून लेट आता है या देर में आता है, पहले चला जाता है, तब सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ वर्षा के कालिक और स्थानिक वितरण में भी असमानता होती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और वर्षा कम होती है और वर्षा कम होने से जो कृषि उत्पादकता उसमें बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है या कृषि का उत्पादन घट जाता है। और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए तो भारत का लगभग 68% भूभाग है वो किसी ना किसी प्रकार सूखे की चपेट में रहता है और देश का 35% हिस्से में 750 से 1125 मिलीमीटर वर्षा होती है। 35% भाग में 750 से 1125 मिलीमीटर वर्षा होती है, जिससे यह क्षेत्र सामान्य सूखा प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। सामान्य से सूखा प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। और जबकि जो 33% क्षेत्र होता है भारत का, 33% क्षेत्र में 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है 33% क्षेत्र में। और इस क्षेत्र को गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। और अगर भारत के मानचित्र में देखा जाए सूखा प्रभावित क्षेत्र तो वो इस प्रकार है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का भाग, पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, इसके अलावा उत्तरी गुजरात, ये क्षेत्र गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो भ्रष्ट छाया प्रदेश है, पश्चिमी घाट का भ्रष्ट छाया प्रदेश, जिसमें वर्षा पश्चिमी घाट अपेक्षा काफी कम होती है, क्योंकि यहां तक आते आते पश्चिमी घाट से नीचे उतरते उतरते जो हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, वर्षा कम होती है, ये भी कभी कभी गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद जो अन्य क्षेत्र इस प्रकार है, जैसे पश्चिम बंगाल का पुरुलिया क्षेत्र, उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कभी कभी सूखा पड़ जाता है और तमिलनाडु का क्षेत्र। अगर सूखा प्रबंधन की बात की जाए तो सूखा प्रबंधन या सूखे से बचाव के लिए सरकार ने कई काम किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से दो कार्यक्रम सरकार ने चलाया। पहला सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, इसे कहेंगे ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम। और यह कार्यक्रम वर्तमान में 16 राज्यों में चलाया जा रहा है, 16 राज्यों में चलाया जा रहा है और 16 राज्यों के 182 जिलों के 972 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम चलाया गया है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम भारत के उष्ण और शीत मरुस्थल दोनों में चलाया जा रहा है। उष्ण मरुस्थल जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब और दक्षिण पश्चिम हरियाणा, उत्तरी गुजरात के अंतर्गत है,
और शीत मरुस्थल जो लद्दाख का क्षेत्र और शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है उसमें मरुस्थल विकास कार्यक्रम इन दोनों क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनारोपण, जल संचयन, बांध जैसी विधियां अपनाई जा रही हैं जिससे मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्र से निपटने में काफी हद तक सफलता मिली है। तो यह तो हुआ आपदाओं के अंतर्गत सूखा।